हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। राज्य की कमान संभालते ही हेमंत सोरेन को अपने 4 साल के नाकामियों पर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट कार्ड निकाली जाएगी जिसमें उनके लाए गए प्रस्तावों, चुनावी वादों को वह कितना पूरा कर पाए, कानूनों को कितना अमल में लेकर आ पाए, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये चुनौतियां क्या होंगी, कौन कौन सी होंगी, यही आज के हमारे वीडियो का चर्चा का विषय होगा। मगर इससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं, उनसे अपील है कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार का तख्ता पलट हुआ और जीत मिली झामुमो कांग्रेस राजद माले वाली यूपीए गठबंधन को, जो कि अब इंडिया गठबंधन हो गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनी। शुरुआत से ही सरकार से लोगों को खूब उम्मीदें थी, खासकर छात्रों को, कि रघुवर दास सरकार की खामियों को हेमंत सरकार दूर करेगी। सरकार के सामने रोजगार एक अहम चुनौती थी, इसे लेकर कई वादे भी किए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ हेमंत की सरकार भी रोजगार के मुद्दे पर घिरते नजर आई। हालांकि सरकार के पास तब ये कहने के लिए ज़रूर था कि उनका छोटा सा कार्यकाल कोरोना महामारी के वजह से प्रभावित हुआ, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद एक बार फिर से नीतियों के कारण उनकी सरकार घिरती दिखाई दी। हालांकि हेमंत सोरेन ने चुनावी एजेंडे में स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने का प्रयास किया था। इसके तहत उन्होंने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और इसी में नियोजन नीति को शामिल करते हुए बिल सदन में पेश किया था, जो कि विधानसभा से पारित भी हुआ, लेकिन कई कारणों से ये कानून में तब्दील नहीं हो पाया और आज तक अटका पड़ा है। मतलब राज्य में आज तक ना कोई स्थानीय नीति है, ना ही नियोजन नीति बन पाई है। हालांकि सरकार की ओर से करीब 10,000 नौकरियां दी गई, लेकिन बेरोजगारी की दशा को देखकर ये संख्या बहुत छोटी लगती है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने 50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी, लेकिन सहायक शिक्षकों ने ही इसका जमकर विरोध किया। इसमें कुछ पेच फंस रहा था जिसे लेकर वे नाराज थे, हालांकि उनकी नाराजगी भी दूर नहीं की गई। इसके अलावा पंचायत स्वयंसेवक संघ की भी अपनी शिकायतें रहीं। काफी लंबे समय से वे विरोध प्रदर्शन करते रहे जिनका कोई उपाय नहीं किया गया। बीते 4.5 सालों में सरकारी नौकरियों की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक केवल 10,041 लोगों को नियुक्ति दी, जबकि 44,000 से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया में है। जेपीएससी के अंतर्गत 1,033 लोगों को नियुक्ति मिली है, जबकि 16,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया जारी है। यानी 4.5 साल में कुल 11,074 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और 59,000 से अधिक पदों पर नौकरियां प्रक्रियाधीन है। इनमें से कई की परीक्षा हो चुकी है तो कई विभाग की परीक्षा अभी भी बाकी है। इनमें से सबसे बड़ी परीक्षा जेएसएससी सीजीएल अभी भी बाकी है। अभ्यर्थी इसे लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। जनवरी में इसकी परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे भी रद्द करना पड़ा। पेपर लीक वाली कहानी तो हालांकि बहुत पुरानी है। राज्य में जब कभी कोई सरकारी एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और फिर एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। फिर सालों तक एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते। इस सरकार में भी स्थिति में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि इस साल के जनवरी महीने में उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी सरकार की नाकामियां कहीं छिप सी गई और जब चंपई सोरेन की सरकार बनी तो उनकी कार्यशैली और बेदाग छवि की वजह से रोजगार का मुद्दा सतह पर नहीं आया। लेकिन हेमंत सोरेन के वापस सत्ता की कमान संभालने के बाद उन्हें अपने ही नेतृत्व वाली पिछली सरकार की नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के सामने रोजगार सबसे बड़ी
चुनौती है और इसका फायदा मिलेगा विपक्षी दल भाजपा को। भाजपा के लिए इस चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की ओर से 2022-23 के दौरान राजनीतिक रूप से जिन महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे सरना धर्म कोड, खतियान आधारित स्थानीयता बिल, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, मॉब लिंचिंग निषेध से संबंधित बिल आदि को सदन से सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उसे लागू होना अभी भी बाकी है। लेकिन इससे बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के लिए ये होगी कि वे किस प्रकार इसका ठिकरा विरोधी दल भाजपा पर फोड़ पाएंगे। हेमंत सोरेन अपने पिछले सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजना जैसे सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि, पुरानी पेंशन, मरांग गोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति, 100 यूनिट तक की फ्री बिजली, हरा राशन कार्ड, धोती साड़ी समेत कई योजनाएं लेकर आए। लेकिन अब इस 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में हेमंत सोरेन की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करने की होगी कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से हो और लाभुकों को इसका लाभ मिल सके। इन सब के अलावा इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिका एवं शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और वेतनमान, पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, शहीदों के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से संबंधित घोषणाओं को जमीन पर ना उतार पाने के लिए भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में 200 यूनिट फ्री बिजली, अबुआ आवास, अबुआ स्वास्थ्य योजना, किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख तक के लोन को माफ करना, 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए देना, जातिगत जनगणना कराना जैसी चंपई सोरेन सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। हालांकि अब आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान देखना होगा कि इन चुनौतियों से हेमंत सोरेन कैसे निपटेंगे, पार्टी गठबंधन मिलकर क्या रणनीति तय करती है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।